हेलो गाइस, रीजनिंग के अनदर सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्लॉक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया है स्टूडेंट, कोई भी पहली बार आया है वीडियो को देखने, क्लास को देखने, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी बात, अगर इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो बेसिकली रीजनिंग का एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसे शॉर्ट में स्लॉग्स कहा जाता है। स्लॉग्स की ये सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग से समझना है टॉपिक, तो आपको प्रीवियस सेशन हमारा देखना पड़ेगा। प्रीवियस सेशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, देन आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ स्टूडेंट, सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्लॉक्स की अनदर सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्लॉक्स की जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट के टाइप, थ्री के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, ध्यान से आपने सुना होगा कि स्टेटमेंट चार टाइप के होते हैं हमारे साइलॉग्स में। तो चार टाइप के स्टेटमेंट में टाइप वन और टाइप टू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट का टाइप टू है क्या भाई, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो स्टेटमेंट में अब तक कौन कौन से स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ तो ऑल ए आर बी हम लोग पढ़ चुके हैं, सम ए आर बी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जब वो हमसे स्टेटमेंट में बोल देता है ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है। ऑल ए आर नॉट बी का अगर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से बनेगा। ए, अब ए बी नहीं है ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इससे थोड़ा दूर हम लोगों ने बी को बना लिया और दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके क्रॉस बना दिया, जिससे हमें यह पता चला कि ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हो कि बेसिकली उनकी एक दूसरे से लड़ाई है। ठीक है, समझने के लिए याद रख सकते हैं ये बात हम। अब अगर यहाँ पर देखा जाए ऑल ए की बी से लड़ाई है, तो कंक्लूजन में अगर मैं पूछ लेता हूँ आपसे, सम ए आर नॉट बी, सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ऑल ए बी नहीं है तो सम भी नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो सम ए आर नॉट बी हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी में मैं अगर बात करता हूँ आगे, अब ए की बी से लड़ाई है तो इट्स सो ऑब्वियस कि बी की भी ऐसे लड़ाई होगी। अब अगर बी की भी ऐसे लड़ाई है, तो मैं कंक्लूजन में अगर आपसे पूछता हूँ ऑल बी आर नॉट ए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ऑल बी ए नहीं है तो सम क्या क्या स्टेटस रहेगा, तो सम बी आर नॉट ए भी ठीक है, क्योंकि अगर ऑल बी ए नहीं है तो इट्स सो ऑब्वियस सम भी नहीं होगा। तो ये तीनों कंक्लूजन यहां पर ठीक हो जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टेटमेंट हमारे चार टाइप के होते हैं, इनमें से दो टाइप इजी हैं और दो टाइप टफ हैं। इजी वाले हम पढ़ चुके थे, टफ वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो टफ है नहीं है, तो इजी सा है, तो इसको चलिए थोड़ा सा टफ कर लेते हैं। अब इसी में यदि मैं एक स्टेटमेंट और जोड़ देता हूं गाइस, यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑल बी आर नॉट सी, सभी बी सी नहीं है। अब सभी बी सी नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है बी और सी। अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि ए की बी से लड़ाई है, बी की सी से लड़ाई है, क्या ए की सी से लड़ाई है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो आप कहोगे नहीं सर, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी हमको गिवन नहीं है। और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमें गिवन नहीं है, तो उनके बीच बनने वाले हर एक कंक्लूजन गलत होते हैं। मैंने आपको ये सिखाया है अगर आपको याद हो तो।
तो अब यदि मैं यहां पर एक कंक्लूजन लिख देता हूं, ऑल ए आर नॉट सी, ये क्या होगा सर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ए से सी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक। इन द सेम वे, जब ए से सी तक नहीं है तो सी से ए तक भी नहीं है। तो इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, ऑल सी आर नॉट ए, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? और मुझे लगता है कि इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये दोनों ऑल में गलत है तो ये दोनों सम में भी गलत ही होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से ये दो कंक्लूजन निकले। गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन दो एलिमेंट्स के बीच में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और जब किसी एलिमेंट के बीच में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होते, बनने वाले जो हमारे कंक्लूजन होते हैं वो क्या होते हैं सर? रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट का टाइप थ्री हमारा रहने वाला है। अब अगर स्टेटमेंट के टाइप थ्री में बात की जाए, इससे पहले हम टाइप टू और टाइप वन पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्टेटमेंट टाइप थ्री को टाइप वन के साथ मिला दिया जाए या स्टेटमेंट टाइप थ्री को टू के साथ मिला दिया जाए, तो हमको क्या कंक्लूजन प्राप्त होंगे, वो एक देखने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना पार्ट आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगेन, आज हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट का टाइप थ्री। टाइप वन और टाइप टू पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक। तो आगे चलिए बात करते हैं, और चलते हैं स्टेटमेंट के, सॉरी, स्टेटमेंट के टाइप थ्री में। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि यदि इस स्टेटमेंट के टाइप थ्री को मैं टाइप वन के साथ मिला देता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसको मैंने रूल्स का नाम दिया है, रूल कह सकते हो आप, कंडीशन कह सकते हो। रूल का नाम इसलिए दिया है ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। रूल नंबर वन, अगर वो, मैं आपको दो स्टेटमेंट देता हूं, यदि वो कहता है ऑल ए आर बी, और कहता है नो बी आर सी, तो क्या इसका डायग्राम हम बना सकते हैं? इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? साइड में बना देता हूं मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं इसको ये कलर आता है या नहीं। तो ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, यही तो दिखाई देगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है स्टेटमेंट में कि उसने ए से बी तक इंफॉर्मेशन दी, बी से सी तक इंफॉर्मेशन दी। क्या ए से सी तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई? नहीं सर, नहीं दी गई। उसने कहा कि ए बी के अंदर है और बी की सी से लड़ाई है। क्या ए की सी से लड़ाई है या दोस्ती कुछ बताया उसने? नहीं होता है भाई। और अभी मैंने कहा कि अगर, यदि इफ देयर इज नो रिलेशन गिवन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ऑल द फैक्ट कंक्लूजन्स वुड बी रॉन्ग। यदि दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी नहीं होती, बनने वाले फैक्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं। अब यहां पर यदि ए और सी के बारे में हम लोग कंक्लूजन में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, और मैं आपसे पूछता हूं, ऑल ए आर नॉट सी, सभी ए सी नहीं है। आप कहोगे ए से सी तक कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बनने वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, बट ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो देखने वाली बात ये है कि जो ए है वो किसका पार्ट है सर? बी का पार्ट है, और बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। अब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, ए क्योंकि बी का पार्ट है तो ए का भी बी से सी से कोई रिलेशन नहीं होगा। और यदि कोई रिलेशन नहीं होगा इनका, तो बनने वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसमें यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर ये ऑल में सही है तो ये सम में भी सही होगा। सेल्फ अंडरस्टूड है। सेकंड, अब क्योंकि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो सी और ए में भी तो कोई रिलेशन नहीं होगा। और अगर इनमें भी कोई रिलेशन नहीं होगा, और मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कंक्लूजन में ऑल सी आर नॉट ए, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर हो गई होगी मेरी बात आप सभी लोगों को बहुत आसानी से। और अगेन, ये अगर ऑल में सही है सर, तो ये सम में भी सही होगा, ठीक है। अब वो अगर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल
सम सी आर ए रॉन्ग, या पूछ लेता है सम ए आर सी, ये भी क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आपके सामने है। चले, ये था हमारा रूल नंबर वन। जब हमने स्टेटमेंट के टाइप वन को स्टेटमेंट के टाइप थ्री के साथ मिला दिया, अब इसी में आगे बात करते हैं रूल टू के बारे में। रूल टू क्या रहने वाला है हमारा, सम ए आर बी नो बी आर सी। अब अगर इसके डायग्राम की बात की जाए थोड़ी सी, तो इसका डायग्राम देखिएगा, साइड में बना देता हूं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा हमारे पास। सम ए आर बी नो बी आर सी, यही बनेगा। अब अगर देखने वाली बात यहां पर यह है कि ए का इतना पार्ट बी में है और पूरे बी की सी से लड़ाई है। अब अगर बी की सी से लड़ाई है तो बी के अंदर जो भी आएगा उसकी सी से लड़ाई जाएगी। बी के अंदर कौन आया सर, ए आया, लेकिन ए का कितना पार्ट आया सर, सिर्फ और सिर्फ सम। तो अब यहां पर यदि अपन कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, क्या सम ए आर नॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या है कि ए का सम पार्ट सर बी में स्टक है और पूरे बी की सी से कोई रिलेशन नहीं है, या कह सकते हो लड़ाई है। तो बी के अंदर जो भी आएगा उसकी लड़ाई जाएगी, ए का सम पार्ट बी में है, इसलिए सी कभी भी ना तो है ना ही हो सकता है। लेकिन अब यहां पर यदि मैं इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल के या पलट के आपसे पूछ लेता हूं, सम सी आर नॉट, कुछ सी ए नहीं है, तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमें यह तो मालूम था कि ए का सम पार्ट ऐसा है जो सी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम सी की तरफ से ए की तरफ आए तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अभी मैंने आपको बताया बनने वाले कंक्लूजन क्या हो जाते हैं सर, ठीक। अब इसी को अगर मैं ऑल में पूछ लेता आपसे, ऑल सी आर नॉट ए, तो ये भी सर गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पे, समझ में भी आ रही होगी। इसमें किसी को भी किसी भी तरीके का अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर टू। अब रूल नंबर टू में हमने किया क्या, हमने स्टेटमेंट के टाइप टू को, अगर आपको याद होगा तो सम ए आर बी था, स्टेटमेंट के टाइप थ्री के साथ मिला दिया, और वहां पर क्या कंक्लूजन निकले उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी डाउट रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहां पर हमारा स्टेटमेंट का टाइप थ्री हो चुका है फिनिश। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट के टाइप फोर के बारे में। लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सिलॉग्स के चारों स्टेटमेंट में लास्ट टाइप है। तो अब तक हमने पढ़ लिया ऑल ए आर बी, हमने पढ़ लिया सम ए आर बी, हमने पढ़ लिया ऑल ए आर नॉट बी। अब जब वो स्टेटमेंट में हमसे कहता है सम ए आर नॉट बी, अब कितना ए बी नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ सम ए बी नहीं है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ए से दूर बनेगा बी, लेकिन इस बार उसने मेंशन किया है कि ए का कितना पार्ट बी नहीं है सम। तो मैंने ए के सम पार्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर लिया और उसे क्या बना दिया कि बी नहीं है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है भैया सिर्फ और सिर्फ इसी सम पार्ट की है, इसके अलावा बचे हुए बाकी के पार्ट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो कोई भी ढंग का फैक्ट कंक्लूजन यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन गलत कंक्लूजन बहुत सारे निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पूछ लेता है सम बी आर नॉट ए, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ए से बी की तरफ सम का रिलेशन नहीं है, लेकिन जब हमें बी से ए की तरफ आते हैं तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बनने वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा. अब क्योंकि ये सम में गलत हो गया तो ये ऑल में भी गलत हो जाएगा, ऑल बी आर नॉट ए. लेकिन अगर वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दे देता है, यहाँ लिख देता हूँ ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, तो सी को देखिएगा गाइस कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हम सी को बना देंगे. और यहाँ पर अब कुछ ढंग का निकलेगा, अगर वो कंक्लूजन में पूछ लेता है सम सी आर नॉट बी, तो ये बिल्कुल ठीक है. अब आप कहोगे सी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बी नहीं है, सी का ये वाला पार्ट कभी भी बी नहीं होगा, ये ए का पार्ट था, ए को किसने खरीद लिया सर, सी ने, तो ये सम पार्ट कभी भी बी ना तो है ना तो हो सकता है, तो इस वजह से ये एक सिंगल कंक्लूजन है जो यहाँ पर सही बनता है. तो ये था हमारे स्टेटमेंट का टाइप फोर, कुछ ज़्यादा खास काम का है नहीं, बट क्योंकि इस स्लॉक्स का पार्ट है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है. और स्टेटमेंट के इसी टाइप फोर के साथ हमारा सिलॉगिज्म का पार्ट वन फिनिश हो गया. अब सिलॉग्स के पार्ट टू में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलॉग्स के पार्ट टू में हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज के बारे में. लेकिन पॉसिबिलिटीज पर जाने से पहले नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस. कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चंस हाल फिलहाल के बैंक SSC एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस पर हम बैठ के करेंगे प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्लास पूरी हमारी प्रैक्टिस पर बेस होने वाली है. तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी आज का सेशन देखा या देख रहे हैं अभी भी, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वहाँ पर हम सिलॉग्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है. तो और अगर इस पूरे सिनेरियो में जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो अब आप उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए, हर एक के कमेंट्स का आंसर किया जाएगा. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी बहुत जल्दी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच.